मी टू के तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर केस में सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है। जी हाँ, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में मुंबई पुलिस ने अंधेरी कोर्ट में बी समरी फाइल की है, जहां मजिस्ट्रेट ने क्लासिफाई किया है कि ये पूरा केस झूठा है, क्योंकि अक्यूज्ड के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। जिसके बाद नाना पाटेकर को कुछ राहत मिली है और यहाँ तनुश्री दत्ता मुसीबत में बढ़ चुकी है। श्री दत्ता के एडवोकेट नितिन सातपुते ने बयान दिया, फिलहाल मुझे ओशीवारा पुलिस स्टेशन से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के खिलाफ कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर पुलिस बी और सी क्लासिफिकेशन समरी रिपोर्ट फाइल करती है तो ये फाइनल नहीं होगा, हम इसके खिलाफ कोर्ट में अपोज करेंगे। इनफैक्ट इसके बाद इसे फिर से पुलिस की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा, जिसे की री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन शामिल होगा। पुलिस इस पूरे मामले में काफी नेग्लिजेंटली पेश आई है, उन्होंने नाना पाटेकर को बचाने की कोशिश की है, कई सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड ही नहीं किए गए हैं। इनफैक्ट शाइनी शेट्टी का स्टेटमेंट भी पार्टली रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस ने यहाँ इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं की है और अब इसीलिए हम समरी रिपोर्ट को अपोज करेंगे, जिसके बाद हम बॉम्बे हाईकोर्ट में पेटिशन फाइल करेंगे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।